पूरी सब्जी बेचने वाली चुड़ैल। नीतू नाम की एक औरत स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही होती है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, वैसे ही उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक इंसान से चुड़ैल बन जाती है। उसे देख छोटे बच्चे और बाकी के सभी लोग डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल सबसे बोलती है, तुम सब मुझसे डरो मत, मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस यहाँ पूरी सब्जी बेचने के लिए आई हूँ। भागो चुड़ैल, ये चुड़ैल हमें मारकर खा जाएगी। इस तरह से पूरे स्टेशन पर तहलका मच जाता है, जिसके बाद चुड़ैल स्टेशन से गायब हो जाती है और स्टेशन के बाहर जाकर खुद से बोलती है, ये मेरा चुड़ैल रूप कैसे आ गया, मैं तो इंसानी रूप लेकर स्टेशन पर अपनी पूरी सब्जी बेच रही थी। लगता है मुझे यहाँ शक्तियाँ सिर्फ दिन के लिए मिली हैं। मैं सिर्फ दिन में ही अपना इंसानी रूप ले सकती हूँ और बच्चों को पाल सकती हूँ और स्टेशन पर जाकर पूरी सब्जी बेच सकती हूँ। रात होते ही मुझे दुनिया की नजरों से छुपना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मुझे एक खतरनाक चुड़ैल समझकर मुझसे यूं ही भागते रहेंगे। पर मैं ऐसे रूप में अपने बच्चों के सामने भी तो नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं? अब मुझे सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहीं पर बैठ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही चुड़ैल एक बार फिर से अपना इंसानी रूप ले लेती है और स्टेशन पर जाकर पूरी सब्जी बेचने लगती है। भाई साहब, पूरी सब्जी 20 रुपए प्लेट है, आप मुझसे मेरी पूरी सब्जी ले लो, आपका बच्चा बहुत भूखा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे 3 प्लेट पूरी सब्जी दे दो। ठीक है साहब, अभी देती हूँ। अब चुड़ैल उस आदमी को 3 प्लेट पूरी सब्जी देकर अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और खुद से बोलती है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो भी भूखे होंगे, पर मैं उनके सामने रात को नहीं जा सकती क्योंकि रात में मेरा असली रूप आ जाता है। अगर मेरे बच्चों ने मेरा असली रूप देख लिया तो वो मुझसे डरने लगेंगे और दिन को मुझे यहाँ स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचनी है। अगर मैं पूरी सब्जी नहीं बेचूंगी तो मैं अपने बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य नहीं देख पाऊंगी। मैं 2 दिन से घर नहीं गई हूँ, एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ, एक बार अपने बच्चे को देख लेती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पूरी सब्जी बेचना बंद करके अपने घर चली जाती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी नेहा और बेटा रवि भूख से तड़प रहे हैं। नेहा जैसे ही अपनी माँ को देखती है, वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम कहाँ चली गई थी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हें पता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। माँ जो भी था मैंने रवि को खिला दिया, पर रवि अब भी भूखा है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम ये पूरी सब्जी खा लो। अब चुड़ैल अपने हाथों से अपने बच्चों को पूरी सब्जी खिलाती है। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और रात होने लगती है, परंतु रात होने से पहले ही चुड़ैल अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद से बोलती है, बच्चों मुझे तुम्हें जल्दी सुलाना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि अब मैं मर चुकी हूँ और मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अगर मैंने तुम्हें मेरी सच्चाई बताई तो तुम मुझसे डरने लगोगे, अब मुझे इसी तरह से तुम्हारे साथ रहना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपना मुंह ढक लेती है और अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और वो पूरी सब्जी बेचने के लिए अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर स्टेशन पर चली जाती है और पूरे दिन वो स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ चढ़ कर लोगों को पूरी सब्जी देती है। पूरी सब्जी ले लो, पूरी सब्जी गरम गरम, पूरी सब्जी घर की बनी हुई ताजी पूरी सब्जी। इस तरह से चुड़ैल पूरी सब्जी बेचती है और शाम होने से पहले अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम को घर आने के बाद वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और रात होते ही उन्हें सुला देती है। खुद घूंघट करके अपने बच्चों के पास सो जाती है ताकि उसके बच्चों को कभी उसकी सच्चाई पता न चल सके। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल अपना इंसानी रूप लेकर स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही होती है, तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मुझे एक प्लेट पूरी सब्जी दे सकती हैं? ये आवाज तो मेरे पति विनोद की लग रही है। इतना बोलकर चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है और वो अपने सामने अपने पति विनोद को पाती है। विनोद भी अपनी बीवी नीतू को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद विनोद चुड़ैल से बोलता है, नीतू तुम यहाँ पूरी सब्जी बेच रही हो, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं जब से जेल से निकला हूँ तब से मैं तुम्हें और बच्चों को ही ढूंढ रहा हूँ, हमारे बच्चे कहाँ है नीतू, वो किस हाल में है?
आपके जाने के बाद हमसे हमारा घर छिन गया। हमारी हालत बद से बदतर हो गई। गांव की मौसी ने स्टेशन के पास वाली झोपड़ी में हमें रहने को जगह दे दी। बस तब से मैं अपने बच्चों को लेकर झोपड़ी में रह रही हूँ और स्टेशन पर आकर पूरी सब्जी बेच रही हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और घर चला सकूं। पर आप जेल से कैसे बाहर निकले? नीतू, मुझे चोरी के इल्जाम में जेल भेजा गया था। मालिक को लगता था कि उन्होंने जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने ही चोरी करे हैं, परंतु मेरे जेल जाने के बाद जब दूसरा मैनेजर आया तो उसके साथ भी यही हुआ, जिसके बाद मेरे मालिक को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि हमारे ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय का किया धरा है। बस फिर क्या था, मेरे मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ही सही गुनहगार को जेल पहुंचाया और मुझे जेल से निकलवा लिया और फिर से मुझे ऑफिस का मैनेजर बना दिया। पर जब से मैं जेल से निकला हूँ मैं तुम्हें और बच्चों को ही ढूंढ रहा हूँ। गांव में मैंने सबसे पूछा पर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और गांव वालों से ही मुझे पता चला कि मौसी भी कुछ दिन पहले ही चल बसी, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। मुझे बहुत खुशी है कि आप सही सलामत जेल से रिहा हो गए। नीतू, अब तुम मुझे जल्दी से बच्चों के पास ले चलो, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अब से एक साथ पहले की तरह रहेंगे हंसी खुशी से। विनोद की बातें सुनकर चुड़ैल अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जिसमें वो अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। पर तभी उसे याद आता है कि अब वो कोई इंसान नहीं है बल्कि उसकी रेल हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, नहीं, इतनी मुश्किलों से मुझे खुशियाँ मिली हैं। मैं अपनी सच्चाई विनोद को अभी नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि कुछ महीने पहले ट्रेन के नीचे आने से मेरी मौत हो गई थी और तब मैं मर चुकी थी, तो ये मेरा असली रूप देखकर डर जाएंगे। इतने दिनों बाद मुझे खुशियाँ मिली हैं। नहीं नहीं, मैं ये सच इन्हें नहीं बता सकती। नीतू, तुम क्या सोच रही हो? चलो मुझे बच्चों के पास लेकर चलो। अब चुड़ैल अपना सच छुपाकर विनोद को बच्चों के पास ले जाती है, जहां बच्चे विनोद को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नीतू अपनी इसी खुशी में सब भूल जाती है कि वो मर चुकी है, जिसके बाद उसका असली रूप उसके बच्चों और पति के सामने आ जाता है। इसके बाद नीतू विनोद को सारी सच्चाई बताती है और विनोद से बोलती है, आप लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे यह शक्तियाँ दी थी ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। अब आप आ चुके हैं, इसीलिए मेरी मुक्ति का समय हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनोद अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता है।